अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों कैसे हो सब लोग? आप सब देख सकते हैं चिकन टिक्का सीख में लगा रहे हैं। अभी जो है चिकन टिक्का को ऐसा सीख में एक पीस पूरा मिडिल में चिकन पीस का लगाएं। सीख को जो है हल्का तो से प्रेस करें, प्रेस करने के बाद में वो सही तरीके से जाएगा। देखें कैसे लगा रहे हैं, ऐसे ही साइड में लगाएगा तो वो चिकन टिक्का जो है घूमता रहेगा, इसलिए क्या है पूरा मिडिल में लगाना चाहिए। देखें कैसे मिडिल में लगा रहे हैं। दोस्तों आप सब घर में, रेस्टोरेंट में, होटल में, किधर भी लगाए चिकन टिक्का ऐसे ही मिडिल में लगाएं और टाइट लगाएं। सीख जो है स्क्वायर हो या राउंड हो, कोई भी शेप हो, वो मुश्किल नहीं है, लेकिन मिडिल में लगाना चाहिए। ये चेस्ट पीस है, ये बॉलनेस है, पर चेस्ट पीस है, लेग पीस नहीं है। लेग पीस का बॉलनेस अगर हो तो लेग पीस का बॉलनेस उसका लगाने का तरीका कैसा है वो भी मैं आपको दिएगा ये यूट्यूब में हम अपलोड करेगा नेक्स्ट वीडियो, वो भी आप लोग देखें चिकन टिक्का जो है बॉलनेस कैसे लगाते हैं सीख में और उसका मसाला कैसे डालते हैं। एक वीडियो तो मैंने अपलोड किया है, फिर भी एक दोस्त ने कमेंट किया है कि चिकन टिक्का जो है होम स्टाइल यानी विलेज स्टाइल कैसे बनाए, तो उसका जो वीडियो और एक बार हम अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। अभी जो है ऐसे लगाते रहना चाहिए। ऐसे ही लगाते रहना चाहिए। देखें देखें पूरा मिडिल में रखे हैं। देखें सीख जो है कैसे निकल रहा है सामने को। देखें सीख जो है बहुत नुकीली होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करेंगे तो हाथ जो है हाथ का अंदर से वो छेदाओं के भी ऊपर जा सकता है, हाथ में जो है चोट भी लग सकता है। तो इसलिए क्या करना है, आराम से ठेलना है। देखें कैसे लगा रहे हैं, पूरा मिडिल में लगा रहे हैं। और जो है मसाला में चिकन टिक्का रहता है, लगाने का टाइम अच्छा से पूरा चिकन टिक्का जो है उसको मिक्स कर लेना चाहिए। मिक्स करके उसके बाद में लगाना चाहिए, क्योंकि मसाला जो है फ्रिज में रहने के बाद में वो मसाला जम जाता है, उसके बाद में डायरेक्ट आप लगा दोगे तो क्या होता है वो बराबर से जो है चिकन टिक्का पकता है, लेकिन बराबर से मसाला जो है उसमें टेस्ट नहीं आता है, मसाला जो है बराबर मिलता नहीं है, मिक्स नहीं होता है। तो इसलिए मिक्स करके लगाएं, बराबर टेस्ट आएगा, अच्छा टेस्ट आएगा, खाने के लिए स्वादिष्ट होएगा। आप लोग ये चीज़ का ध्यान रखिए। देखें अभी हमने जो है इतना सीख लगा लिया, इसका पहले भी लगाया है, देखें कितना अच्छा तरीके से लगाए हैं। दोस्तों आप सब चिकन टिक्का ऐसे ही लगाएं और टंगरी कबाब, कलमी कबाब, रेशमी कबाब, मुरुक मलई कबाब, हरियाली कबाब, पहाड़ी कबाब, सेसमी टिक्का, चिकन सीख कबाब, मटन सीख कबाब, सब ऐसे ही बनाएं घर में खाएं। सब का रेसिपी हम धीरे धीरे आलिफ का जी जो है यूट्यूब चैनल, माय यूट्यूब चैनल, उसमें हम अपलोड करते रहेंगे। आप लोग वॉच करें और वॉच करें, सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ वॉच करके चले जाते हैं। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, आप लोग जो है सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा चैनल जो है आगे बढ़ सकेगा, और सब्सक्राइब करने का साथ में बेल आइकन जो है वो प्रेस करना ना भूले। दोस्तों बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आप हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल में तुरंत जाएगा, फास्ट जाएगा, उसके बाद में जो है आप लोग वॉच कर सकते हैं वीडियो। और अभी के लिए देखें कितना सीख जो है हमने लगाया है, देखें इतना सीख हमने लगा लिया है चिकन टिक्का, चिकन टिक्का बोनलेस ब्रेस्ट का।